हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल। दोस्तों आज हम फिर से आ गए एक न्यू वीडियो लेके, और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं हेवर्ड 5000 सुपर स्ट्रॉन्ग बियर का रिव्यू और अनबॉक्सिंग। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाएं। दोस्तों आज हम इसमें बताएंगे कि राजस्थान में हेवर्ड 5000 का न्यू MRP क्या है, और जानेंगे इसके कुछ। तो देखिए, कुछ इस तरह का बॉक्स आता है, और इसकी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दोस्तों बेंगलोर में है, और राजस्थान में या अलवर में मैन्युफैक्चर और पैकिंग होती है। इस बॉक्स में आपको 12 बॉटल्स मिलती है, और 650 ml का एक बॉटल है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह का बॉक्स आता है, और इसमें 12 बियर्स आती है। और अगर बोतल की बात करूं तो कुछ इस तरह का ये बॉटल आता है। इसका हाल में राजस्थान में प्राइस चल रहा है दोस्तों ₹160 MRP आ रही है, और इसका 8% एल्कोहल आता है इसमें। सॉरी दोस्तों, एल्कोहल कंटेंट इसमें 6.4% आता है, और कुछ इस तरह का बियर आता है। देखिए ये अल्कोहल के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो दोस्तों कुछ इस तरह का ये बॉक्स आता है, और ये कुछ तरह इसी तरह की हमारी अनबॉक्सिंग थी, और अब हम इसका रिव्यू और टेस्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम इसे टेस्ट करने जा रहे हैं और जानेंगे इसकी स्मेल के बारे में। तो पहले खोलते हैं। और पहला गिलास हम भर रहे हैं। दोस्तों इसमें किंगफिशर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा फ्रॉथ आता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि आधी में बियर भरी है और आधी में फ्रॉथ ही है। ये देखिए, और देख सकते हैं कि आप इसमें फ्रॉथ कितना आ रहा है। और हार्डनेस की बात करें तो इसके बबल्स जो हैं ठीक दिख रहे, काफ़ी ज़्यादा भी नहीं, काफ़ी कम भी नहीं, हार्डनेस तो ठीक है। तो लगाते हैं चलो एक पहला पैक। दोस्तों इसका अगर स्मेल की बात करें तो इसका स्मेल किंगफिशर के मुकाबले थोड़ा सा बेटर है, और इसका टेस्ट हल्का सा थोड़ा मिठास है, मतलब कि ये शुगर बियर है, इसमें शुगर ज़्यादा आती है। और मुंह में ऐसा लगता है कि मतलब कि बियर मुंह में घुल जाती है, ऐसा कुछ है इसका फ्लेवर। बाकी तो टेस्ट इसका बढ़िया है, काफ़ी किंगफिशर से काफ़ी बढ़िया है। मैंने रुबोक बहुत सी ब्रांडें और पी है, लेकिन इसका कुछ अलग टेस्ट है, क्योंकि किंगफिशर में थोड़ी स्ट्रॉन्गनेस आती है, कड़वाहट आती है, लेकिन इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं, इसमें एकदम स्मूथ है। और चलिए दूसरा पैक भरते हैं, और हमने बियर के साथ में लिया है, बाइटिंग चखने में लिया है फ्राइज अंडे। तो दोस्तों महफिल जम रही है। ये देखिए आपके सामने इसका फ्रॉथ बहुत ज़्यादा है, जब भी हम पैक भरते हैं फ्रॉथ बहुत ज़्यादा आता है इसका। आप इसमें चाहो तो आइस डाल के भी इसे ले सकते हो, और
कुछ लोग तो कुछ बाइटिंग चखने में कुछ अलग, नमकीन वगैरह कुछ अलग सब यूज करते हैं, सबकी अपने अपने चॉइस है। हमारा दूसरा पैक है अब। दोस्तों बियर तो मुझे काफ़ी पसंद आई है, इसका टेस्ट काफ़ी बढ़िया है। लोग कुछ लोगों को यह दोस्तों पसंद नहीं आती, लेकिन मुझे तो कसम से बहुत बढ़िया लगी है, टेस्ट में काफ़ी बढ़िया है। और यह दोस्तों हमारा लास्ट पैक होने जा रहा है, ऑलमोस्ट इससे 3-3.5 पैक बनते हैं, 650 ml की बॉटल आती है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो इस तरीके से यह हमारा चौथा पैक बन चुका है। अब लगाएंगे हम एक घूंट इसमें से और बढ़िया बियर है, हैवर्ड 5000 काफ़ी गजब बियर है।